तो लास्ट वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया था अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में इसका जो टाइम पीरियड है वो बारह सौ नब्बे ईस्वी से लेकर तेरह सौ बीस ईस्वी बी तक है इसके जो संस्थापक थे खिलजी वंश के वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ठीक है इनका जो टाइम पीरियड था वो था बारह सौ नब्बे से लेकर बारह सौ छः ईस्वी तक छः वर्ष तक इन्होंने शासन किया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम याद रखना ये खिलजी वंश के संस्थापक थे बारह सौ नब्बे ईस्वी में किलोकरी के महल में इनका राज्याभिषेक हुआ तब उनकी उम्र कितनी थी तो सत्तर वर्ष के थे उस समय जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया इसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन के साथ कर दिया था ठीक है इनकी एक पुत्री थी इसका विवाह किसके साथ कर दिया तो अपने भतीजे अलाउद्दीन के साथ कर दिया था ये एक अयोग एवं दुर्बल शासक था बारह सौ छियानवे ईस्वी में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया ठीक है फिर बाद में क्या हुआ इसका जो भतीजा था या कह सकते इसका जो दामाद था उसने इसकी हत्या कर दी और ख़ुद सुल्तान बन गया ठीक है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी इसका जो टाइम पीरियड है वो बारह सौ छियानवे से लेकर तेरह सौ सोलह ईस्वी तक है अब आपको खिलजी वंश में किसी के बारे में अगर पढ़ना है तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है ठीक है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है इसके बचपन का नाम था अली एवं गुरसाप जलाउद्दीन का भतीजा एवं दामाद था बारह में देवगिरी का इसने अभियान किया था इसने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया ठीक है जो इस्लाम के सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार इसने शासन नहीं किया था ठीक है अपने मन से ही शासन करता था ये इसने खम्स में सुल्तान का हिस्सा एक बटे चार से तीन बटे चार कर दिया अब ये खम्स क्या होता है तो खम्स का मतलब होता है लूट का धन जब आप किसी से युद्ध लड़ते हैं उसे हरा देते हैं तो उसका बहुत सारा धन आप लूट लेते हैं तो यही ये करता था जब किसी से युद्ध लड़ता था तो उसे हरा देता था तो इसके सैनिक बहुत सारा धन लूट लेते थे तो पहले ये लूट के धन का कितना लेता था पहले जो सुल्तान हुआ करते थे वो एक बटे चार हिस्सा लेते थे लूट के धन का लेकिन ये कितना लेने लगा इसने एक बटे चार से तीन बटे चार कर दिया कि नहीं जितना तुम धन लूट रहे हो उसका तीन बटे चार हिस्सा मुझे दो और एक बटे चार हिस्सा खुद रख लो तो ये होता है खम्स ठीक है खम्स का मतलब होता है लूट का धन इसने दान उपहार व पेंशन में दी गई भूमि वापस ली और उससे खालसा भूमि घोषित कर दिया ठीक है इससे पहले जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे कई भूमि को दान में दे देते थे या उपहार या गिफ्ट के रूप में दे देते थे लेकिन बाद में इसने क्या किया खालसा भूमि घोषित कर दिया और सारी भूमि वापस ले ली इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की यह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराकर लगान निर्धारित कर दिया ठीक है तो ये इसने क्या किया था गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी और पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप की इसने भूराजेश की दर बढ़ाकर उपज का एक बटे दो भाग कर दिया ठीक है मतलब जितनी भी आपके पास उपज हो रही है उसका आधा हिस्सा आपको किसको देना पड़ेगा तो सुल्तान को देना पड़ेगा ठीक है राज्य में जमा करना पड़ेगा और दो नए कर लगाए थे एक चराई कर था और दूसरा गड़ी कर था चराई कर दुधारू पशुओं पर लगता था जो पशु दूध देते थे उनके ऊपर चराई कर लगाया इसने और गड़ी कर जो घर पर झोपड़ी वगैरह होती है उन पर गड़ी कर लगाया ठीक है तो दो प्रकार के इसने कर लगा दिए थे अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की इसने स्थाई सेना सैनिकों को नगद वेतन व सैनिकों का हुग्या लिखने की प्रथा भी प्रारंभ की ये इंपॉर्टेंट लाइन है पूछा था कि किसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी तो अलाउद्दीन ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी स्थाई सेना सबसे पहले किसने रखा तो स्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रखा अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया देना और सैनिकों का हलिया लिखने की प्रथा भी स्टार्ट कर दी थी ठीक है तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है तीनों याद कर लेना अच्छे से ठीक है दो नए कर लगाए थे चराई कर और गड़ी कर भू राजस्व की जो दर थी वो एक बटे दो कर दी थी गुप्तचर विभाग की स्थापना की पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप करी ठीक है दान में जितनी भी पेंशन उपहार दिए जाते थे या भूमि दी जाती थी उसने वापस ले ली और इसे खालसा भूमि घोषित कर दिया ठीक है और खम्स में सुल्तान का हिस्सा एक बटे चार से तीन बटे चार कर दिया गया ठीक है तो इतना इसके बारे में आपको याद करना है और क्या है कि मूल नियंत्रण प्रणाली भी इसने शुरू की थी इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली ठीक है अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलची ने किसकी उपाधि धारण की थी तो पहला क्या था कि ये... ये भी सिकंदर की तरह पूरा विश्व जीतना चाहता था लेकिन क्या था कि इसने एक मुल करके व्यक्ति थे उनकी बात मानी और उसने क्या किया खाली उपाधि ले ली सिकंदर ईसानी इसी में खुश हो गया ठीक है इसका साम्राज्य कहाँ था तो गुजरात रणथम्बू और बंगाल चित्तौड़ दक्षिण भारत का भी इसने अभियान चलाया था इससे गुजरात में मलिक काफूर ठीक है एक व्यक्ति था जिसे एक हज़ार दिनार में इसने खरीदा था ठीक है और उसी मलिक काफूर ने इसे कोहनूर दिया था ठीक है कोहनूर कहाँ से मिला था तो ये दक्षिण में जब अभियान के लिए निकला था तो मलिक काफूर को कोहनूर हीरा दे दिया था तेलंगाना के कोई राजा थे ठीक है तो उसने वापस इसे दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन के समय मंगोलों के छः बार आक्रमण हुए ठीक है और जो अमीर खुसरो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी खजानुल खजानुलफतू ठीक है तो वो उसमें इसी की चर्चा की गई है अलाउद्दीन खिलजी की और उसी इसके समय में पदमावत भी लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने ठीक है तो पदमावत भी इसी के ऊपर थी तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी और अमीर खुसरो ने ख़ज़ानफतू लिखी दोनों इंपॉर्टेंट हैं याद कर लेना और इसने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया तो अलाई दरवाजा सीरी का किला हज़ार खम्बा महल ठीक है इन तीनों चीज़ों का निर्माण किसने कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था तीनों के नाम याद रखना अलाई दरवाजा सीरी का किला और हज़ार खम्बा महल तीनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया इसके बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसे मुबारक शाह के नाम से भी जाना जाता है मुबारक खिलजी तेरह सौ सो सोलह ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी ये कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था ठीक है तो साइको कह सकते हैं इसे कि इसे क्या था कि ये चाहता था कि सारे बिना कपड़े के आए इसके दरबार में तो बर्नी के अनुसार क्या था कि मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर भी दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था ठीक है तो ऐसा बर्नी ने लिखा है अपनी पुस्तक में इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी ठीक है तो अपने आप को खलीफा भी इसने बता दिया कि नहीं हम पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं ठीक है थीके? तो खलीफा की उपाधि इसने धारण की थी इस वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह ठीक है खुसरो खां जो था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था ये मुबारक खिलजी का वजीर था इसने तेरह सौ बीस ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या करके स्वयं गद्दी ले ली थी ठीक है तो इसने क्या किया था जैसी हरकतें थी मुबारक खिलजी की तो इसे तो कोई ना कोई मार ही देता तो इसकी हत्या किसने कर दी थी खुसरो खान ने कर दी थी वो इसका वजीर था और सेम गद्दी पर बैठ गया था अब इसके जाने के बाद क्या आया तुगलक वंश आया इसका जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1414 सौ ईस्वी तक था अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अधिकार करने वाला सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाला कौन सा वंश है तो तुगलक वंश है आपका टाइम पीरियड है इसका 1320 से लेकर 1414 सौ ईस्वी तक ठीक है लगभग चौरानवे साल तक ये रहा गैशुद्दीन तुगलक के बारे में पहले जान लेते हैं इसका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1325 सौ पच्चीस तक ठीक है जिसने भी स्थापना की है ना किसी भी वंश की वो मुश्किल से चार से छः साल तक ही टिका है ठीक है उससे ज़्यादा नहीं टिका तो गैसुद्दीन तुगलक था ये भी पाँच साल तक ही रहा तेरह से पच्चीस ईस्वी तक तेरह सौ ईस्वी में खुसरो खां को हरा कर गाजी मलिक या तुगलक गाजी ठीक है जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो का इसी को इसने हरा दिया था गाजी मलिक ने और ये क्या किया इसने दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठ गया और अपना नाम इसने क्या रख लिया गयासुद्दीन तुगलक इसने उनतीस अवसरों पर मंगोलों से संघर्ष किया और सफल रहा यहीं पर इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की तो जो आपको पता कि मंगोल जो थे वो चीन की तरफ से आते थे ठीक है तो भारत में अधिकार करना चाहते थे कई बार ये हमला करते थे चारों तरफ से तो उनतीस बार इसने क्या किया था गैसुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया था ठीक है और उसके बाद इसने किसकी उपाधि ली तो मलिक उल गाज़ी की उपाधि धारण की यह प्रथम सल्तनत शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए किसने कराया तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था इसने तुगलकाबाद नामक नया नगर बनाया और खालसा भूमि जो वापस ले ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने इसने वापस लौटा दी तेरह सौ पच्चीस ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई ठीक है तो हुआ क्या था इसका पुत्र जो था जूना खां उसने एक महल बनवाया था लकड़ी का ठीक है उसने सोचा ये बंगाल से जीत के आ रहा है तो इसके लिए कुछ खास किया जाए तो उसने लकड़ी का पूरा महल बनवा दिया अब इसी महल में ये घूम रहा था तो क्या हुआ कि महल जो था वो टूट गया और इसी में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी गैसुद्दीन की अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की जो दूसरा शासक था इस वंश का इसका टाइम पीरियड था 1325 से लेकर तेरह सौ ईस्वी इस तक इसका नाम था जूना कहाँ इसे कई नामों से जाना था जैसे पागल शासक स्वप्निल शासक या रक्त पिपासू ठीक है आप सोच रहे होंगे इतने अजीब से नाम इसे क्यों मिले तो इसने कई नीतियाँ चलाई थी लेकिन जितनी भी नीतियाँ चलाई थी ना सारी इसकी नीतियाँ विफल हो गई ठीक है कई चीज़ों की इसने प्लानिंग की लेकिन सारे प्लान इसके फेल हो गए इसलिए इसे पागल राजा स्वप्नशील रक्त पिपासू आदि नामों से जाना जाता है क्वेश्चन ये बन सकता है कि पागल राजा के नाम से कौन सा फेमस है दिल्ली सल्तनत में तो मोहम्मद बिन तुगलक फेमस है ठीक है पहला इसने क्या कार्य किया था कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी दोआब क्षेत्र का मतलब होता है कि जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है दो नदियों के तो वो बहुत उपजाऊ होता है ठीक है तो वहाँ पर इसने क्या किया कर जो कर लिया जाता है जो टैक्स लिया जाता था उसे डबल कर दिया लेकिन हुआ क्या उस समय भारत में पड़ गया सूखा ठीक है तो दोआब क्षेत्र में तो कृषि हो नहीं पाई ठीक है ना ज़्यादा फसलें हुई लोग बर्बाद हो गए और इसने क्या किया था टैक्स डबल कर दिया था या बढ़ा दिया था तो इसके चक्कर में ये नीति इसकी विफल हो गई लोग इसके विरोध में आ गए दूसरा था कि इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन कर दी ठीक है और स्थानांतरण जब किया तो दौलताबाद उसका नाम दिया देवगिरी का तब इसमें भी क्या था कि अब सोचो आप दिल्ली में रह रहे हो और आपको वहाँ से उठाकर कोई ले जाए पहाड़ी इलाके में ठीक है तो देवगिरी जो था वो पहाड़ी इलाका टाइप का था जहाँ पे पठार वगैरह थे ठीक है महाराष्ट्र का एरिया था ये तो दिल्ली से देवगिरी ले गया अब यहाँ से लोग वहाँ तक गए ठीक है अब वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे तो इस चक्कर में भी लोग इसके विरोध में थे ठीक है इसलिए भी इसे पागल राजा कहा गया तीसरा इसने क्या किया, किया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया ठीक है सांकेतिक मुद्रा से मतलब है यहाँ पर कि इसने क्या किए थे चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे ठीक है अब हो क्या रहा था कि लोहे के सिक्के होते चांदी के होते तो समझ में आता चमड़े के सिक्के इसने चलवा दिए अब हर घर में अपने अपने सब लोग चमड़े के सिक्के बना के जा रहे थे मार्केट में अब इतने चमड़े के सिक्के हो गए तो वो भी फेल हो गया इसका प्लान ठीक है तो इसने जितनी भी नीति ये लेकर आया सारे के सारे फेल हो गए अब चौथा इसका खुरासान अभियान था तो इसमें भी इसने अपने सैनिकों को भेजा था लगभग दस हज़ार सैनिकों को पहाड़ी इलाके में पता नहीं कहाँ पर फिर वापस जब सैनिक आए तो वो मर मरा कर मुश्किल से दो से तीन हज़ार ही वापस आ पाए थे ठीक है तो ये अभियान भी फेल हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक एम बी टी की फुल फॉर्म में मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए नए विभाग अमीर कोही व दीवाने कोही स्थापित किए ठीक है तो ये याद कर लेना कि अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी या दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी कृषि विकास के लिए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की और अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज की स्थापना की ठीक है जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था तो इसी समय हरिहर बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और अलाउद्दीन बहमन शाह ने किसकी स्थापना की तो बहमनी राज की स्थापना की इसकी मृत्यु पर बदायू ने लिखा कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई ठीक है इसकी हरकतें ऐसी थीं इसने ऐसी प्लानिंग की कि हमेशा ये पागली कहलाया इसलिए बधाई ने लिखा था कि इसे लोगों से और लोगों को इससे मुक्ति मिल गई और एक चीज़ भी याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा राजा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था ठीक है यही सबसे पढ़ा लिखा था और इसी को पागल कहा गया रक्ति पीपासू कहा गया अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया फिरोज शाह तुगलक इसका टाइम पीरियड था तेरह से लेकर चौदह ईस्वी तक ठीक है ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ठीक है चाचा का लड़का था ये फिरोज शाह ने चौबीस करों को समाप्त कर चार कर लगाए ठीक है उस समय क्या था कि पहले चौबीस तरीके के कर लिए जाते थे जनता से लेकिन इसने क्या किया सभी करों को हटा दिया और चार कर लगा दिए चौबीस की जगह चार कर कौन कौन से थे पहले तो खम्स है तो खम्स का मतलब आपको पता ही है लूट का धन जो युद्ध में लूटा जाता था उस पर कर लगाया दूसरा खराज था खराज जो था वो किसानों से लगाया जाता था तीसरा जजिया था जजिया कर्ज़ आपके आपने सुना होगा जजिया कर के बारे में तो जजिया करज जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था ठीक है जो मुस्लिम नहीं है यानी कि हिंदू और अन्य धर्म वाले जितने थे ठीक है उनसे जजिया कर लिया जाता था फिर फोर्थ था जक़ात जक़ात लिया जाता था जो अमीर मुसलमान थे उनसे लिया जाता था जक़ात यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था मतलब इससे पहले भी जजिया कर लगाया गया लेकिन वो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था लेकिन फिरोसा तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की पांच बड़ी नहरों का निर्माण कराया तीन सौ नए नगरों की स्थापना की जिसमें हिसार जौनपुर फिरोजाबाद फतेहाबाद आदि हैं ठीक है तो ये सारे नगर जो हैं इन सभी नगरों की स्थापना किसने की थी तो फिरोज सा तुगलक ने की थी ठीक है फिरोजाबाद का नाम आपने सुना होगा जौनपुर का सुना होगा दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल इसने बनवाया ठीक है तो एक खैराती अस्पताल इसने बनवाया था दारुल सफ़ा नाम से हक सर्व नामक सिंचाई कर लगाया जो उपज का इकवटे दस्त था ठीक है जितनी भी आपकी उपज होगी उसका इक्वटी दस जो है हिस्सा वो कर के रूप में लिया जाएगा सिंचाई कर के रूप में ठीक है इसका नाम था हाकिस सरभ ठीक है ये नाम याद रखना फिर उस तुगलक ने दासों के लिए दीवा ने बंदगान विभाग की स्थापना की अनाथ विधवा महिलाओं के लिए दीवा ने खैरात विभाग की स्थापना की ठीक है तो इसने काफ़ी विभाग की स्थापना की थी काफ़ी काम किया इसलिए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है ये चीज़ भी याद रखना तो इसने क्या किया था कि जो दास होते थे उनके लिए दीवाने बंदेगान और अनाथ विधवा महिलाओं के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी ठीक है विभाग था ये इसने मेरठ व टोपरा के अशोक स्तंभ जो थे ठीक है मेरठ और टेपरा में टोपरा जगह का नाम है यहाँ पर अशोक के दो स्तंभ लगे थे ठीक है इसने क्या किया वहाँ से उखड़वा कर दिल्ली में लगवा दिया ठीक है तो मेरठ और टोपरा से अशोक के दो स्तंभ लगा कर लाकर दिल्ली में स्थापित किए अब पुस्तक कौन सी है इसकी तो फतुहात ए फिरोज शाही ठीक है फिरोज शाह की पुस्तक है इसमें इसी के बारे में लिखा है और तारिक़ फिरोज साही ये बर्नी ने लिखी है और फितुहात फिरोज साही किसने लिखी तो फिरोज शाह ने लिखी है ठीक है इसी ने लिखी थी तो दो पुस्तकें इनके नाम याद रखना तुगलक वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था ठीक है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था और तेरह सौ अठानवे ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था ठीक है तेरह सौ अठानवे ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण इसी के समय में हुआ था ये चीज़ भी याद रखना अब तुगलक वंश के बाद का जो वंश है वो है सैयद वंश ठीक है ये चौथा सबसे बड़ा वंश था मतलब बड़ा नहीं है लेकिन चौथा वंश था ये सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का इसका टाइम पीरियड था 1414 सौ चौदह ईस्वी से लेकर चौदह सौ इक्यावन ईस्वी तक ठीक है इसके संस्थापक थे खिज्र खां ठीक है जो कि तैमूर लंग का सेनापति था तो आपने देखा तेरह में जो तैमूर लंग था उसने आक्रमण किया था भारत में और इसी का जो सेनापति था खिज्र खां और इसी ने सैयद वंश की स्थापना की थी दिल्ली में खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि से शासन किया ठीक है इसने रैत आला की उपाधि ली थी मुबारक शाह ने सुल्तान व शाह की उपाधि ली मुबारक शाह ने मुबारकबाद नामक शहर की स्थापना की ठीक है तो ये सैयद वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं ना कि बराबरी मिलेगा आपको शायद ही ऐम मिले कोई इसके बाद आता है आपका लोधी वंश ठीक है ये लास्ट वंश है दिल्ली सल्तनत का इसका टाइम पीरियड है चौदह सौ इक्यावन ईस्वी से लेकर पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी तक इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी ठीक है और ये एक अफ़गानी थे ठीक है कह सकते हैं अफ़गानिस्तान के थे तो पहला अफगान शासक कौन हुआ था दिल्ली सल्तनत पर जिसने अधिकार किया तो बहलुल लोदी था ठीक है ये इसके संस्थापक थे इनका टाइम पीरियड था चौदह से लेकर चौदह तक इसके बाद आया सिकंदर लोधी इसका टाइम पीरियड था चौदह से लेकर पंद्रह सौ तक ठीक है इसके दो लड़के हुए जलाल खां और इब्राहिम लोधी ठीक है इब्राहिम लोधी जो लास्ट शासक था इसका टाइम पीरियड था 1517 से लेकर 1526 सौ तक बहलोल लोधी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ शासक बना इसने बहलोल सिक्का चलाया ठीक है तो बहलोल सिक्का किसने चलाया था तो बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्का चलाया थी सिकंदर लोधी जिसका नाम क्या था तो निजाम खान इसका नाम था ठीक है बचपन से इसका नाम क्या चल रहा था तो निजाम खान इसका नाम था सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया ठीक है ये चीज़ याद रखना पूछा जाता है एक नंबर में कि आगरा नगर को किसने बसाया था तो सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 में और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने भूमि पमाइस के लिए गजय सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया ठीक है तो इसने भूमि पमाइस के लिए एक पैमाना चलाया था जिसे गजय सिकंदरी के नाम से जाना जाता है ठीक है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे ठीक है ये गुरुमुखी उपनाम से फारसी कविता लिखता था ठीक है तो ये क्या करता था एक कविता भी लिखता था ठीक है काफ़ी कविताएँ इसने लिखी लेकिन किस उपनाम से लिखता था तो गुरुमुखी के उपनाम से ये कविताएँ लिखता था और इस वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी ठीक है ये सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था अब इसका युद्ध किससे हुआ था तो इसका युद्ध हुआ था बाबर से 1526 सौ ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई और ये मारा गया था ठीक है इब्राहिम लोदी मारा गया बाबर को निमंत्रण किसने दिया था तो आलम खां और दौलत खां ने दिया था ये शायद इसके चाचा के लड़के थे इब्राहिम लोदी के या पता नहीं चाचा थे ठीक है तो इन्होंने बाबर को बुलाया था कि आओ तुम इसे मारो और दिल्ली पर अधिकार करो वो ये सोच रहे थे कि दिल्ली पर अधिकार नहीं करेगा हमें बैठा देगा ठीक है बस धनन लूट के चला जाएगा लेकिन बाबर क्या था वो यहाँ पर राजी करने आया था इस युद्ध में प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया गया तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 सौ में हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में इसी में तोप का प्रयोग किया गया था इसने तुगलमा पद्धति नाम दिया था ठीक है तो इसने किस पद्धति का नाम दिया तुगलमा पद्धति बताया जो तोप का यूज़ किया तो कौन सी पद्धति से ही जीता तो तुगलमा पद्धति से जीता तो भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था तो इब्राहिम लोधी था ठीक है इससे पहले कई आए दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने वाले शासक लेकिन कोई युद्ध भूमि में नहीं मरा था सिर्फ इब्राहिम लोधी जो था वो युद्ध भूमि में मारा गया था तो अब हम आ गए हैं नागरिक शास्त्र पे अब हम पूरा संविधान पढ़ लेंगे जितना भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं सारे हम कवर कर लेंगे देखिए संविधान के बारे में अगर पूछा जाए कि संविधान किसे कहते हैं विशेषताएँ विशेषताएँ लिखने को आ जाए तो लिखना कि संविधान से अभिप्राय उन आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों के समूह से है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है ठीक है तो आपको पता है कि संविधान क्या एक किताब है जिसमें देश चलाने के लिए सारे आधारभूत जितने भी नियम होते हैं ठीक है सिद्धांत होते हैं सारे उसमें लिखे हुए हैं तो संविधान से अप्राय क्या हुआ कि संविधान से अप्राय है उन आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों के समूह से जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है ठीक है इतना आप लिख देंगे फिर लिखेंगे कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ठीक है तो भारत का संविधान कैसा है लिखित संविधान है हर देश के लिखित संविधान नहीं होते हैं ठीक है थीके? भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और ये किसी भी दिस देश का ठीक है किसी भी देश का या विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ठीक है तो इतनी बातें आप लिख देंगे और संविधान का निर्माण किसने किया तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया और संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन ने की थी ठीक है अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान को किसने बनाया तो संविधान सभा ने बनाया था और संविधान सभा का गठन किसने किया था तो कैबिनेट मिशन ठीक है जी कैबिनेट मिशन जो थी वो लंदन में बनाई गई थी इसमें तीन सदस्य थे ठीक है तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी संविधान सभा की और संविधान सभा ने किसका निर्माण किया तो भारतीय संविधान का किया अब अगर कैबिनेट मिशन के बारे में लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सदस्य तात्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की कैबिनेट के सदस्य थे ठीक है तो क्लीमेंट एटली कहाँ के प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ठीक है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं की कैबिनेट के ये तीनों सदस्य थे ठीक है पैंथिक लॉरेंस स्टीफर क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर ठीक है तो ये तीनों इनके कैबिनेट के सदस्य थे इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा था ठीक है अब ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पैंथिक लॉरेंस ठीक है ये अध्यक्ष थे और स्टीफन क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर सदस्य थे कैबिनेट मिशन की स्थापना फरवरी 1946 में लंदन में हुई कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए ठीक है तो कैबिनेट मिशन का अगर हम पूछें कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई तो फरवरी उन्नीस में लंदन में हुई थी इसके बाद ये मार्च उन्नीस को भारत आया और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए ठीक है तो फिर इसने किसका गठन किया संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान के स्रोत बताइए कि किन किन स्रोतों के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है तो भारतीय संविधान के दो स्रोत हैं पहला देसी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत ठीक है तो देसी स्रोत में हमने जो देश से अपनी चीज़ें ली हैं उसके आधार पर जो हमने नियम कानून बनाए सिद्धांत बनाए और विदेशी स्रोत जो हमने दूसरे देशों के संविधान से चीज़ें ली या दूसरे देशों के नियम कानून लिए ठीक है तो विदेशी स्रोत में आ जाता है तो देशी स्रोत में पहला था नेहरू रिपोर्ट उन्नीस और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935 सौ यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है ठीक है तो देसी स्रोत के अंदर दो चीज़ें आती हैं सिर्फ पहला तो नेहरू रिपोर्ट आती है उन्नीस की ठीक है मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी जिसके आधार पर देशी स्रोत के आधार पर जो निर्माण किया गया संविधान का दूसरा भारत शासन अधिनियम उन्नीस ठीक है यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है तो देसी स्रोत में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं याद यादकल्याण का नाम नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत भारत शासन अधिनियम 1935 अगर विदेशी स्रोत की हम बात करें तो पहला हमने ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली तो विधि का शासन एकल नागरिकता संसाधात्मक शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली ठीक है अगर सही से देखें तो ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली तो संसद का जो कानून संसद जो होती है ना वो हमने कहाँ से ली ब्रिटेन से ली मंत्रिमंडल की जो प्रणाली होती है वो भी हमने ब्रिटेन से ली एकल नागरिकता हमारे देश में चलती है कि हम किसी भी राज्य में चले जाएँ एकल नागरिकता है ठीक है हमें दो दो नागरिकता नहीं लेनी पड़ती तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया और फिर है विधि का शासन ठीक है तो ये चार चीज़ें जो थी वो हमने ब्रिटेन से ली जापान से हमने क्या लिया तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत ठीक है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत हमने जापान से लिया था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसका याद रखना है तो ब्रिटेन का याद रखना अमेरिका का याद रखना आयरलैंड का याद रखना ठीक है उसके बाद आपको मौलिक कर्तव्य याद रखने हैं यू के जर्मनी की आपातकालीन याद रखना और जो तीनों सूची हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ली बस ठीक है इतनी चीज़ें तो याद रखना आप फिर यू से हमने मौलिक अधिकार लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली उपराष्ट्रपति का पद पत, राष्ट्रपति का पद ठीक है राष्ट्रपति पर महाभियोग ये सारी चीज़ें हमने किससे ली अमेरिका से ली हैं या यू एस ली ठीक है तो यू को ही अमेरिका कहते हैं आपको पता होगा तो याद रखना कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने अमेरिका से लिए हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे शब्द कुछ भी आपको मिले इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं और न्यायिक पुनरावलोकन इंपॉर्टेंट है तो याद रखना ये हमने अमेरिका से लिया है आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए जिन्हें इंग्लिश में डी पी एस पी कहते हैं तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिए हमने आयरलैंड से लिए हैं 2019 में ये पूछा गया है और यू से हमने क्या लिए जिसे हम लोग सोवियत संघ कहते हैं तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए तो आपको पता है तो ग्यारह मौलिक कर्तव्य होते हैं और ये हमने किससे लिए हैं तो रूस से लिए हैं या सोवियत संघ से लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से ली कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं अगर कोई नियम है आज सही है बाद में वो गलत साबित होता है तो हम उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध की प्रक्रिया ली ठीक तो है तो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो हमने कहाँ से ली है जर्मनी से ली है तो आपको पता है तीन प्रकार का आपातकाल होता है जिसमें वित्तीय आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो ये तीन प्रकार के जो आपातकाल है वो हमने कहाँ से लिए हैं जर्मनी से लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने तीनों सूचियाँ ली हैं संबरती सूची लिए सॉरी तीनों सूचियाँ नहीं ऑस्ट्रेलिया से हमने सिर्फ सम्बर सूची ली है ठीक है तो सम्भरती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं ऐसे विषय होते हैं तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए और संविधान की जो प्रस्तावना है ठीक है वो हमने कहाँ से लिए तो वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली इसलिए इम्पोर्टेंट है इसे याद रखना फ्रांस से हमने गणतंत्र शब्द लिया है गणतंत्र शब्द कहाँ तो से लिया तो फ्रांस से लिया है कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति ली है ठीक है जो कनाडा है वहाँ से हमने किसकी नियुक्ति ली है तो राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है तो बस इतनी चीज़ें याद रखना अमेरिका इंपॉर्टेंट है आयरलैंड इंपॉर्टेंट है रूस इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमने सम्भरती सूची ली है जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्ति ली हैं ये इंपॉर्टेंट है संविधान की प्रस्तावना हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है नीति निशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए है तो इतनी चीज़ें याद रखना अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एक नंबर में पूछ सकता है कि संविधान 26 नवंबर उन्नीस को बनकर तैयार हो गया था किंतु 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया ठीक है कब बना था तो 26 नवंबर उन्नीस को यह बन गया था किंतु कब चालू किया गया इसे तो 26 नवंबर 1950 को इसे लागू किया गया था कितना टाइम लगा इसे तो दो महीने सॉरी दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा तो दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन संविधान के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ तो लगभग चौंसठ लाख रुपये खर्च हुए थे ठीक है कितना खर्च हुआ तो लगभग चौसठ लाख रुपए जो थे वो संविधान के निर्माण में खर्च हुए छब्बीस नवंबर को विधि दिवस के रूप में हम मनाते हैं तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि संविधान बनकर तैयार हो गया था इस दिन इसलिए छब्बीस नवंबर को विधि दिवस के रूप में हम मनाते हैं अगर हम मूल संविधान की बात करें जो हमारा पुराना संविधान है जब बन तैयार हुआ था उन्नीस में तब उसमें तीन अनुच्छेद थे बाईस भाग थे और आठ अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान में क्या है तो चार अनुच्छेद हो गए हैं पच्चीस भाग हो गए हैं और बारह अनुसूचियाँ हो गई हैं ठीक है इतनी चीज़ें आपको याद रखनी अब कुछ समितियाँ हैं और उनके अध्यक्ष हैं तो इसमें आपको सबको याद नहीं रखना याद रखना कि जो संघीय शक्ति समिति बनी थी इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है प्रांतीय जो संविधान समिति थी इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रारूप समिति का याद रखना जो प्रारूप समिति थी इसे हम लोग इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं इसके अध्यक्ष थे बी आर ठीक है और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जेपी कृपलानी थे अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ठीक है तो बस प्रारूप समिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी जिससे कहते हैं इसके बी आर अम्बेडकर थे ठीक है इसके बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे और संघीय समिति के कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अब भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेहरू जी द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें भारतीय प्रस्तावना में रखा गया था ठीक है अगर प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन आता है तो नेहरू जी ने जो आदर्श प्रस्तुत किए उसे भारतीय प्रस्तावना में रखा गया भारतीय संविधान में प्रस्तावना का बहुत महत्व है इसे संविधान की कुंजी कहा गया है ठीक है तो अगर पूछा जाए कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के फलस्वरूप समाजवाद पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए ठीक है तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन से तीन शब्द जोड़े गए ठीक है तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी सपा करके आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं जैसे सपा पार्टी है तो एस से आप समाजवाद याद रख सकते हैं पी से आप पंथनिरपेक्ष याद रख सकते हैं और ए से अखंडता याद रख सकते हैं ठीक है तो तीन शब्द थे जो बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा जोड़े गए थे और संविधान की कुंजी किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है ठीक है प्रस्तावना में सिर्फ़ एक ही बार संशोधन हुआ है जिसमें ये तीन शब्द जोड़े गए उसके अलावा कभी भी संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी है ठीक है तो प्रस्तावना तो नहीं पूछेगा वैसे बहुत बड़ी है आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण छोड़ दीजिए से अब पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है ठीक है जो तीन शब्द जोड़े गए तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह है कि सरकार का निजी धर्म नहीं होता है ठीक है वह सभी धर्मों को समान महत्व देगा धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा ठीक है तो पंथनिरपेक्ष का मतलब यह है कि सरकार का को कोई निजी धर्म नहीं है वो सभी धर्मों को मानेगा उसका सम्मान करेगा और सभी धर्मों के लिए तटस्थ रहेगा ठीक है जितने भी धार्मिक मामले होते हैं एक सा रहेगा तटस्थ मतलब लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन ठीक है तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है जहाँ पर जनता शासन करती है क्योंकि जनता यहाँ पर शासन कर रही है कि जनता द्वारा चुनाव हुआ जो सदस्य होता है भाई हम लोगों के लिए नियम कानून बनाता है ये सारी चीज़ें होती हैं लोकतंत्र में गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ राष्ट्र का प्रमुख चुनाव से आता हो ना कि वंशानुगत नीति से ठीक तो है तो लोकतंत्र और गणतंत्र सेम ही है लोकतंत्र का अर्थ ये हो जाता है कि जनता का शासन और गणतंत्र का अर्थ मतलब ये रहता है कि जहाँ पर राष्ट्र का जो प्रमुख है जैसे कि प्रधानमंत्री जो है हमारे ठीक है वो कहाँ से आते हैं तो उन्हें हम चुनते हैं जनता चुनती है ना कि वो को बताते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा फिर राजा बनेगा तो ऐसा नहीं होता उसे राष्ट्र का चुनाव द्वारा उसे चुना जाता है ठीक है तो इसका मतलब होता है गणतंत्र दो में ये पूछे जा चुके हैं इनके शब्द के अर्थ याद रखना लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो चुनाव से चुना जाता है ना कि बंसानुगत नीति से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बयालीसवें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकाबले मुकदमे में निर्धारित हुआ था ठीक है तो ये शायद मुश्किल पूछे भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछेगा ठीक है पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है इसे याद रख लेना कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत में एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज की यह व्याख्या करता है या व्यवस्था करता है कठोर व लचीले संविधान का मिश्रित रूप है भारतीय संविधान एकहरी नागरिकता का प्रावधान है मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है यहाँ पर अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों की विशेष व्यवस्था की गई है इसमें भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया ठीक है जो छुआछूत है अस्पृश्यता है इसका अंत कर दिया गया भारतीय संविधान द्वारा ठीक है तो ये विशेषताएँ इन्हें याद कर लेना अच्छे से पाँच पॉइंट तो कम से कम याद कर लेना इसके ठीक है तो ये क्वेश्चन बन सकता है भारतीय संविधान अब क्वेश्चन मौलिक अधिकार से बन सकता है तो याद रखना भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार की बात की गई है अगर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद बारह से लेकर पैंतीस तक मौलिक अधिकार आते हैं ठीक है तो अनुच्छेद कितने से तो बारह से लेकर पैंतीस तक मौलिक अधिकार आते हैं और भाग तीन में इसकी बात की गई है मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं शुरुआत में इनकी संख्या सात थी मतलब कि जब संविधान बना था उस समय जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या सात थी परंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को चवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग चवालीसवा संविधान संशोधन लाए उसके बाद तो हमने एक जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया मौलिक अधिकार से और इसे हमने कानूनी अधिकार बना दिया और इसमें किसे शामिल कर दिया तो आर्टिकल तीन ए मतलब कि अनुच्छेद तीन ए में इसे शामिल कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को इसलिए अब वर्तमान में अगर हम देखें तो छः मौलिक अधिकार हैं ठीक है पहले सात थे उसको हम चालीस संविधान संशोधन जो कि उन्नीस सौ अठहत्तर में आया उसके तहत हमने इसे एक को हटा दिया कानूनी के का अधिकार को ठीक है जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया उसे इसे कानूनी अधिकार बना दिया तो आपको बस इतना याद रखना कि ज़्यादातर जो संविधान संशोधन हुए हैं ना वो बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस में ही देखने को मिलेंगे ठीक है इसलिए उसे मिनी संविधान भी कहते हैं बयालीसवें संविधान संशोधन को लेकिन जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया ये चवालीसवां संविधान संशोधन है कई बार कन्फ्यूजन होता है लोग बयालीसवें संविधान संशोधन लगा देते हैं लेकिन ये चवालीसवां संविधान संशोधन है ठीक है जो कि उन्नीस में हुआ था अब कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक जाएगा फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक जाएगा फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23-24 में है फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद बत्तीस में ठीक है तो इन सबको याद कर लेना अच्छे से कि छः जो मौलिक अधिकार है इनके नाम याद कर लेना और याद कर लेना कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक ये आते हैं ठीक है तो समानता आता है चौदह से अठारह स्वतंत्रता का उन्नीस से बाईस ऐसे करके ये सारे याद कर लेना अब समानता का अधिकार हम पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद चौदह में क्या है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार तो अनुच्छेद चौदह के तहत यह है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो चाहे गरीब रिक्शे वाला हो ठीक है सबके कानून के सामने सब समान है यह अनुच्छेद चौदह बताता है कि विधि के समय समानता का अधिकार अनुच्छेद पंद्रह क्या बताता है कि मूल वंश धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है चाहे किसी भी धर्म के हो किसी भी लिंग के हो किसी भी वंश के हो लेकिन आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा तीसरा है लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब जो जॉब वगैरह दी जाती है सरकारी जॉब वगैरह जो भी चीज़ें हैं इनमें समानता का व्यवहार किया जाएगा ऐसा कहा है अनुच्छेद सोलह में अनुच्छेद सत्रह की अगर हम बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया जो छुआछूत वगैरह जो चल रही थी उसका अंत किसम किया गया तो अनुच्छेद सत्रह में किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया तो अनुच्छेद सत्रह के तहत ठीक है फिर अनुच्छेद अठारह के तहत क्या किया गया उपाधियों का अंत कर दिया गया पहले क्या होता था कई प्रकार की उपाधियाँ चलती थी पढ़ाई की उपाधियाँ तो चली ही रही हैं उसके साथ हर तरह की उपाधियाँ दे देते थे ठीक है ज़्यादा जमीन है तो उसकी अलग उपाधि दे दी या कोई चीज तो हर चीज़ की उपाधि चलती थी लेकिन अठारह के तहत क्या किया उपाधियों का अंत कर दिया गया अब सिर्फ पढ़ाई में उपाधियां देखने को मिलती हैं ठीक है पी कर लिया आपने तो डॉक्टर कहने लग गए तो सिर्फ पढ़ाई में और जो सेना वगैरह होती है ठीक है फौज ऑज में ठीक है सिर्फ उन्हीं में उपाधियों बची हैं और सभी में इनका अंत कर दिया गया ठीक है तो वीरता व शिक्षा संबंधी उपाधि दी जा सकती है बाकी हर तरीके की उपाधि हटा दी गई है तो इतनी चीज आपको याद रखना है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं चौदह से अठारह अनुच्छेद इक्कीस इसमें जीने का अधिकार है ठीक है तो जीवन जीने का अधिकार किसमें दिया गया तो अनुच्छेद इक्कीस में दिया गया कि दैहिक स्वतंत्रता व जीवन जीने का अधिकार किसमें है अनुच्छेद इक्कीस में इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से पृथक करने का अधिकार सिर्फ कानून को होगा ठीक है आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता यह अधिकार सिर्फ कानून को है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गलत काम करते तो जो कानून है वो उसे फांसी की सजा दे सकता है किसी भी व्यक्ति को ठीक है उसके अलावा कोई भी आपसे आपका जीवन नहीं छीन सकता फिर अनुच्छेद 21 का में क्या है तो ये आप सभी अच्छे से याद कर लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह अनुच्छेद में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है तो अनुच्छेद इक्कीस को बाद में जोड़ा गया था ठीक है और 21 का जो है अनुच्छेद 21 का इसे बाद में जोड़ा गया इसमें था कि छियासीवें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया और उसमें था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क भूमि अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी फिर अनुच्छेद 22 में क्या है तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण है कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है ठीक है तो अनुच्छेद बाईस किससे संबंधित है तो गिरफ्तारी से संबंधित है ये और नोट करने वाली चीज़ ये है इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल अगर लगाया जाता है आपको पता है तीन प्रकार का आपातकाल लगता है वित्तीय राष्ट्रीय राज्य तो अगर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद बीस और इक्कीस को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं सबको राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है ठीक है तो जीवन जीने का अधिकार ही बचेगा फिर तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार ठीक है ये अनुच्छेद तेईस से लेकर चौबीस तक है ठीक है ये तीसरा मूल अधिकार मौलिक अधिकार है तो यह अनुच्छेद तेईस और चौबीस में आता है तो अनुच्छेद तेईस में कि बेगार व मानव व्यापार पर रोक बलाश्रम पर प्रतिषेध ठीक है तो अनुच्छेद तेईस में बलात्श्रम की बात की गई है और अनुच्छेद चौबीस में बाल श्रम पर रोक लगाई गई है तो बलाश्रम क्या होता है कि जो व्यक्ति खरीदे बेचे जाते हैं जैसे नहीं पहले दास प्रथा चलती थी कि मानव को खरीद लेते थे या लेडीज को खरीद लेते थे ठीक है तो ऐसा बंद कर दिया गया इसके तहत चौबीस में था कि बाल श्रम पर रोक लगा दी कि चौदह वर्ष तक कम का बच्चा है तो आप उसे काम पर नहीं लगा सकते ठीक है फिर चौथा मौलिक अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद पच्चीस से लेकर अट्ठाईस तक है पच्चीस में कहा गया कि अपने धर्म को मानने और उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने पर आपका अधिकार है ठीक है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं ठीक है ठीके. उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं ये आपको छूट दी गई है यही अनुच्छेद सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है ठीक है आपने सिख लोग देखे होंगे जो कृपाण धारण कर ही रहते हैं ठीक है पगड़ी अगड़ी पहनते हैं तो ये अधिकार किससे मिला है इन्हें तो अनुच्छेद पच्चीस के तहत इन्हें मिला हुआ है फिर अनुच्छेद छब्बीस इसमें है कि धार्मिक प्रियोजन हेतु संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार आपको है कि धार्मिक प्रयोजन अगर आप करते हैं तो संपत्ति जो संपत्ति है उसका अर्जन कर सकते हैं ठीक है स्वामित्व का आपको अधिकार है अनुच्छेद सत्ताईस में कि धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों में छूट ठीक है अगर आप धर्म की अभिव्यक्ति के लिए आप करों में छूट टैक्स एक्स में छूट वगैरह मिल जाती है इसमें ठीक है टैक्स वगैरह नहीं लगता अट्ठाइस में क्या कहा गया कि राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता प्रतिषेध है ठीक है अनुच्छेद अट्ठाइस के तहत यह है कि जो भी राज्य द्वारा जो भी सरकारी स्कूल है ठीक है उनमें जितने भी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ठीक है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी वो प्रतिषेध कर देगी अनुच्छेद अट्ठाइस के तहत इसे याद कर लेना अच्छे से कि किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक शिक्षा को प्रतिषेध कर दिया गया है राज्यों में ठीक है जो राज्य द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं तो अनुच्छेद अट्ठाईस के तहत अब ये पाँचवां भी बहुत पूछा जाता है पाँचवां मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ठीक है ये अनुच्छेद उन्तीस और तीस में आता है तो अनुच्छेद उन्तीस में ये है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संपत्ति व भाषा को बनाए रखने का अधिकार है ठीक है जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने का अधिकार है इसलिए वो अपने विद्यालय वगैरह खोल सकते हैं अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं जिससे वो अपनी संपत्ति और संस्कृति को बचा सकते हैं ठीक है मतलब अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं ठीक है ऐसे कुछ भी चीज़ें वो कर सकते हैं ऐसा उन्हें अधिकार दिया गया है फिर अनुच्छेद तीस में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है एवं उनके संचालन का उन्हें अधिकार होगा ठीक है जो अल्पसंख्यक हैं भारत में उनको क्या छूट दी गई है कि वो अपने शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं और उनके संचालन का उन्हें अधिकार दिया गया है ठीक है तो ये अनुच्छेद तीस में आता है तो उनतीस तीस अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है अब सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार ठीक है तो ये अनुच्छेद बत्तीस के तहत आता है इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है ठीक है इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पांच रिट जारी करता है ठीक है तो अनुच्छेद बत्तीस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अनुच्छेद क्या देता है आपको कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार आपसे छीना जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ठीक है तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद बत्तीस के तहत कि अगर कोई भी आपसे कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार छीनता है तो ऐसी स्थिति में आपको हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए अब इस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो पांच प्रकार की रिट जारी करता है इनके नाम याद कर लेना उन्नीस में पूछा जा चुका है ये इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद नहीं होता ठीक है थोड़ा टफ लगता है इसलिए सही से पढ़ना कि पहला है रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे इंग्लिश में हीबियस कार्पस कहते हैं फिर है परमादेश जिसे मैंडमस कहते हैं फिर अधिकार प्रेक्षा जिसे कोबारंटो कहते हैं फिर प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं और प्रेक्षण जिसे सट्योटी कहते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है इसे हीबियस कार्पस कहते हैं इस रिट का शाब्दिक अर्थ है सह शरीर उपस्थित करो ठीक है यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया गया हो ठीक है अगर आपको गैरकानूनी रूप से कोई बंदी बना लेता है तो ये रेट जारी कर जा की जाती है कि उसे क्या करो सह शरीर उपस्थित करो इस संदर्भ में न्यायालय व्यक्ति को सह शरीर उपस्थित कराने का निर्देश देता है और ये किसे मिलता है किसके लिए जारी की जाती है तो सरकारी व गैर सरकारी दोनों विभागों पर यह लागू की जा सकती है ठीक है तो ये चीज़ याद रखना कि दोनों पर जारी कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो कोई भी विभाग हो इस पर यह जारी की जा सकती है दूसरी रेट है परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं है, रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद होने के बावजूद अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो यह रिट सरकार के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध नहीं की जा सकती ठीक है तो परमादेश का अर्थ ये होता है कि हम आदेश देते हैं ठीक है यह रिट तब जारी करेंगे जब कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद पर है ठीक है चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो ठीक है कोई गवर्नमेंट जॉब में हो और वो अपना काम ना कर रहा हो तब ये जो रिट होती है ये जारी की जाती है फिर तीसरी है अधिकार परीक्षा इसे कुबार उनठो कहते हैं इसका सावधिक अर्थ है कि किस अधिकार से यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण कर लेता है जिस पद के लिए वास्तविकता में वह नियुक्त तो नहीं है ठीक है आपको जॉब नहीं मिली किसी व्यक्ति को अब वो है काम पर लगा पड़ा है ठीक है किसी और की जगह कार्य कर रहा है तो ये रिट तब जारी की जाती है अधिकार परीक्षा को कि किस अधिकार से आप उस पर काम कर रहे हैं ऐसे पद को क्यों धारण कर लिया आपने जो आपका है ही नहीं फिर प्रतिषेध क्या है तो इसे प्रोविजन कहते हैं ये रिट जो होती है वो न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी अन्य केस की सुनवाई कर रहा हो ठीक है जैसे केरल मान ली उत्तर प्रदेश का केस है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगा लेकिन केरल का कोर्ट देख रहा है उस चीज को तो ये रिट न्यायालयों के विरुद्ध की जाती है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी अन्य केस की सुनवाई कर रहा हो तो प्रतिषेध हो गया और लास्ट है उत्प्रेषण ठीक है यह भी प्रतिषेध के समान है किंतु उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब न्यायालय ने निर्णय सुना दिया हो जबकि प्रतिषेध तब जारी की जाती है जब कार्रवाई चल रही हो ठीक है प्रतिषेध तब जारी की जाएगी जब मान लीजिए केस चल रहा है किसी कोर्ट में आदेश नहीं आया तो ये जारी की जा सक और उत्प्रेक्षण कब जारी की जाती है जब क्या है कि केरल के केस जो केरल का कोर्ट है उसने मान लीजिए फैसला सुना दिया है तब ये जारी की जाती है कि फैसला सुना दिया उसके बाद ठीक है तो उत्प्रेक्षण की जो रेट है वो जारी की जाती है अब आपका सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है नीति निर्देशक तत्व ठीक है ये अनुच्छेद छत्तीस से लेकर अनुच्छेद इक्यावन तक है ठीक है अब नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं तो इसे इंग्लिश में डी कहते हैं ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के भाग चार में अनुच्छेद छत्तीस से लेकर इक्यावन तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान ने इन तत्वों को आयरलैंड से लिया है ठीक है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं तो ये आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए थे नीति निदेशक तत्व तो लोक कल्याण की भावना को रखते हैं इन तत्वों को राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है अतः इनके हनन होने की स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती ठीक है तो होता क्या है कि ये क्यों रखे गए तो लोक कल्याण की स्थिति के लिए रखे गए कि लोक कल्याण की जो भावना होती है उसके लिए से हमने शामिल किया है संविधान में अब ये क्या डिपेंड करते हैं राज्यों के ऊपर कि राज्य चाहे तो इन चीज़ों को माने ठीक है जो इसमें दिए गए चीज़ें और चाहे तो इनको ना माने ठीक है ये अनुच्छेद में जो दिए गए इसे ये अनुच्छेद चालीस में है कि ग्राम पंचायतों का गठन ठीक है ये सारी चीज़ें दी गई तो अब चाहे तो राज्य से शामिल कर सकते हैं गठन कर सकते हैं चाहे तो ना करें ठीक है तो ये लोक कल्याण के लिए हैं इस बात को देखते हुए के टी साह ने नीति तथ्यों की तुलना उस चेक से की है जिसके भुगतान की शक्ति बैंक मैनेजर की इच्छा पर निर्भर करती है ठीक है जैसे कि क्या कि आप कोई चेक लेकर गए बैंक के पास ठीक है कि हम मुझे रुपये चाहिए ये चेक लीजिए मुझे रुपये दे दीजिए तो आप बैंक के मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है वो चाहे तो आपको रुपया दे चाहे तो ना दे कह दे नहीं ये तो गलत है इसमें साइन सही नहीं है ये नहीं है तो हो सकता है वो आपको ना दे तो यही कहा है के टी शाह ने सकता तो कि नीति निश्चय तत्व की तुलना उस बैंक के चेक से की है जिसके भुगतान की शक्ति बैंक मैनेजर की इच्छा पर निर्भर करती है ठीक है तो क्या है कि नीति निश्चित तत्व राज्य पर डिपेंड करते हैं राज्य चाहे तो इन्हें माने चाहे तो ना माने अब इसमें अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है इस अनुच्छेद को गांधी जी का राम राज भी कहा जाता है ठीक है तो ये तो नहीं पूछेगा लेकिन याद रखना कि अनुच्छेद 40 क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 42 में क्या है कि मनोवांछित दशाओं तथा तो प्रसूति सहायता उपबंध की बात की गई है इसमें ठीक है जो प्रेगनेंसी वगैरह होती है उसमें जो सहायता वगैरह दी जाती है तो उसकी बात की गई है अनुच्छेद चवालीस में समान नागरिक सहायता जो इस टाइम आप बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे तो समान नागरिक सहायता की बात की गई गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस अनुच्छेद को अपनाता है मतलब इसमें सभी धर्म एक जैसे होते हैं ठीक है जैसे कि तीन तलाक जैसा कोई मुद्दा नहीं होता एक तलाक है तो हर चीज़ सेम रहेगी सबके लिए ऐसा है समान नागरिक सहायता में तो ये अनुच्छेद चवालीस में अनुच्छेद छवालीस में क्या था तो ग्राम पंचायतों का गठन था बयालीस में मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की बात की गई है अनुच्छेद चवालीस में समान नागरिक सहायता की बात की गई अनुच्छेद पैंतालीस में छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तो मैंने आपको बताया था कि पहले ही ये चीज़ जो थी ना वो अनुच्छेद पैंतालीस में ही शामिल की गई जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमने अनुच्छेद पैंतालीस में ही ये चीज़ रखी थी लेकिन अब ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता था वो चाहे तो शामिल करे चाहे तो ना करे अब उसे लगता था इसमें ज़्यादा खर्चा होगा तो क्यों हम इसे शामिल करें तो वो नहीं करता था ठीक है तो ये चीज़ लागू नहीं होती थी अब लागू नहीं होती थी उस बच्चों फिर उन्हें कहाँ शिक्षा मिलेगी फ्री में तो इसलिए इसे मौलिक अधिकार बना दिया कि अब तो भैया राज को तो मैं शामिल करना ही पड़ेगा ठीक है अब तो तुम्हें देनी पड़ेगी छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा ठीक है तो इसलिए इसे इक्कीस का जोड़कर शामिल किया गया था मौलिक अधिकार में अनुच्छेद सैंतालीस में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करेगी ठीक है तो अनुच्छेद सैंतालीस में क्या रखा गया कि जो पोषाहार स्तर है लोगों का और जो जीवन स्तर है उसे ऊपर ले जाने की आप कोशिश करेंगे ठीक है नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे अनुच्छेद अड़तालीस में बात की गई कृषि तथा पशुपालन संगठन की अनुच्छेद अड़तालीस का इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना ये बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस में जोड़ा गया तो मैंने आपको बताया इसे मिनी संविधान कहते हैं बयालीसवें संविधान संशोधन को मिनी संविधान इसलिए कहते हैं कि कई सारे इसमें संशोधन हुए थे कई सारी चीज़ें जोड़ी गई थी और अनुच्छेद 48 का में क्या बात की गई तो पर्यावरण का संरक्षण व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात किसमें की गई तो अनुच्छेद अड़तालीस में की गई है अनुच्छेद उनचास में क्या है तो राष्ट्रीय स्मारक और महत्वपूर्ण वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा ठीक है अनुच्छेद उनचास के तहत क्या है कि राष्ट्रीय स्मारक जो है जैसे ताजमहल है लाल किला है और जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुए हैं हमारे लिए उनका संरक्षण करना अनुच्छेद पचास में क्या है तो कारपालिका से न्यायपालिका का पृथक ठीक है कारपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया किसमें अनुच्छेद पचास के तहत ये क्वेश्चन बनेगा कि, कि, कि कारपालिका से कारपालिका को न्यायपालिका से अलग किस अनुच्छेद के तहत किया गया तो अनुच्छेद पचास के तहत कारपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है अब अनुच्छेद इक्यावन इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद इक्यावन में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि की जाएगी ठीक है अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है और जो सुरक्षा है उसमें वृद्धि की जाएगी अनुच्छेद इक्यावन के तहत अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया मौलिक कर्तव्य ठीक है मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है दो में क्वेश्चन पूछा गया है तो अनुच्छेद इक्यावन का जोड़कर हमने मौलिक कर्तव्य लेकर आए हैं ठीक है थीके? याद रखना इस चीज़ को तो अनुच्छेद इक्यावन का के अंतर्गत तो मौलिक कर्तव्य आते हैं और भाग कौन सा है तो भाग चार का है नीति निर्देशक तत्व तो जो थे वो भाग चार में थे और मौलिक कर्तव्य किस में तो भाग चार का में है ठीक है और अनुच्छेद इक्यावन का ठीक है अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद इक्यावन का में आएगा मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे इन्हें बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य की संख्या दस थी किंतु वर्तमान में यह ग्यारह है ठीक ग्या है जो मौलिक कर्तव्य थे ये संविधान में नहीं थे लेकिन इसे कैसे जोड़ा गया तो बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ द्वारा इन्हें जोड़ा गया था इनकी संख्या स्टार्टिंग में दस थी लेकिन अब कितनी है तो अब ग्यारह है मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है ठीक है जो मौलिक कर्तव्य है किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे तो स्वर्ण सिंह समिति की थी इसकी सिफारिश पर ये जोड़े गए थे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए तो रूस से लिए हैं ठीक है सो जिसे हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं या पूर्व सोवियत संघ भी जिसे कहते हैं यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे अब ये कौन कौन से हैं तो पहला कर्तव्य ये है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें ठीक है तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें संविधान का पालन करना है ठीक है जितने आदर्श हैं संस्थाएं संस्थाएँ राष्ट्रध्वज है राष्ट्रगान है इनका आदर करना है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें ठीक है तीसरा था कि भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और अशुण रहें फोर्थ है कि देश की रक्षा करें फिफ्थ है कि भाई भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भरतत्व यानी कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें सिक्स पॉइंट था कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें सेवन्थ पॉइंट था कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें ठीक है तो ये सात पॉइंट हो गए आठवां पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का विकास करें नाइन्थ है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है जैसे कि लाल किला ताजमहल या कोई और सार्वजनिक संपत्ति उसको सुरक्षित रखें फिर है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ठीक है ऊपर की ओर जाने का प्रयास करें माता पिता एवं संरक्षक द्वारा छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना ठीक है तो इसे भी मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया ये पेरेंट्स के लिए था या हम लोगों के लिए था जो कर जो क्या कह सकते हैं कि जो जनता है ना उसके लिए ये मौलिक कर्तव्य बनाए गए कि आप इन चीज़ों का पालन करें तो इसी में शामिल कर दिया कि जो माता पिता हैं या संरक्षक है बच्चों के वो क्या करेंगे छः से चौदह वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएंगे ठीक है तो इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया तो यही गारमा था जो जोड़ा गया था सबसे लास्ट में तो इसी के साथ आपकी जो संविधान था पूरा नागरिक शास्त्र आपका कंप्लीट हो गया इस वीडियो में अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बहु सारी चीज़ें बताई हैं ठीक है एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया मैं चाहता तो आपको नागरिकता की भी बता सकता था नागरिकता के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो वो इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा जो चीज इंपॉर्टेंट थी जो आ चुकी थी मैंने वही कर कराई है अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना एक बार पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो